जी नाज़रीन, अहम ऐलान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दिसंबर 2020 में मैं कराची आ रहा हूँ, कराची में मौजूद होऊंगा। कराची में जो लोग मेरे से मुलाकात करना चाहते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके अपॉइंटमेंट की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जनवरी 2021 से इल्म नजूम एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस का आगाज़ होने जा रहा है। दिसंबर तक एडमिशन ओपन है, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि इसमें जो स्टूडेंट्स की तादाद है वो बहुत ज़्यादा महदूद है। आप दुनिया में कहीं पे भी बसते हैं, आप इसमें शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। और इसके साथ साथ AQ जेम स्टोन्स का भी बाकायदा आगाज़ हो चुका है। असली और मेयारी नगीने अगर आप हासिल करना चाहते हैं AQ जेम स्टोन पर रब्ता कर सकते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्म नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, मेरी बात के साथ हाज़िर हूँ। आज हमारा मौजू है रहाइश की तब्दीली। नाज़रीन, मेरे एक दोस्त थे और काफ़ी अरसे से मुझे कह रहे थे कि मेरी ख्वाहिश है कि मेरा अपना घर बने और मैं एक दिन की देरी ना करूँ और उसमें जाके मैं शिफ्ट हो जाऊँ। और अल्लाह पाक ने करम किया, उन्होंने अपनी ज़मीन ख़रीदी, वहाँ पर अपना घर बनाना शुरू कर दिया। और घर बनाते बनाते तकरीबन साल सवा साल का अरसा गुज़र गया। फिर उसके बाद जब घर में शिफ्टिंग की बारी आई तो पता चला कि एक साल और गुजार दिया कि उन्होंने कहा कि अभी उसमें छोटे मोटे काम जो हैं वो रहते हैं, इस वजह से अभी हम लोग शिफ्ट नहीं हो रहे। खैर, वो भी मुकम्मल हो गए। उसके बाद दोबारा से एक साल उन्होंने इस बात पे गुजार दिया कि उस घर में जाने को दिल तो करता है लेकिन जहाँ पर रहते हैं इस घर को छोड़ने को दिल नहीं कर रहा। बहुत सारे ऐसे और भी अफराद हैं जो रिहाइश की तब्दीली चाहते हैं, रेंट के घरों पे रहते हैं और प्रॉब्लम होती है कि कभी कहीं पे रहें, किसी कभी दूसरी जगह पे चले जाएं। और रिहाइश की तब्दीली में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। आपको नहीं मालूम आपका जायचा क्या कहता है रिहाइश की तब्दीली के हवाले से। कोई भी दिक्कत परेशानी अगर आपकी ज़िंदगी में चल रही है तो नाज़रीन, इसका ताल्लुक जो है वो अतारत के साथ है, यानी मरकरी के साथ है। आप अपने घर की शिफ्टिंग में आसानी चाहते हैं, एक तो कोशिश करें कि बुध के दिन का इंतखाब करें जब आप अपने घर की तब्दीली चाहते हों, और बुध के दिन का ही इंतखाब करें अगर अपने घर के हवाले से कोई तामीराती काम का आगाज़ करना चाह रहे हैं तो इसमें भी आपको काफ़ी खातरख्वाह फ़ायदा जो है वो मिलेगा। इसके बाद अल्लाह ताला का एक नाम है या कबीरो, आप या आपकी शरीक हयात, आप दोनों मिलकर या कबीरों का विर्द रोज़ाना 600 दफ़ा करें, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ। उस वक्त जब आप रिहाइश की तब्दीली कर रहे हैं या करना चाहते हैं या कोई मुश्किल पेश आ रही है रिहाइश की तब्दीली के हवाले से, उन आयाम के अंदर अल्लाह ताला का जो नाम है या कबीरों, इसको कम अज़ कम 50 रोज़ मुसलसल 600 दफ़ा दिन में एक दफ़ा लाजमी आप पढ़ना अपना मामूल बनाइए। और इसके साथ साथ एक ज़मरद नगीना है, बड़ा ख़ूबसूरत है, आप इसको लेकर अपने हाथ में भी पहन सकते हैं ताकि रिहाइश के हवाले से जो तब्दीली है उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना पैदा हो। लेकिन जब भी नगीने का इस्तेमाल करें कंसल्टेशन के बग़ैर मत कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।